शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। करारविन्देन परामृशन्तं पद्माक्षमालां शिवरूपिणन्तं पीताम्बराध्याननिमग्नचित्तं श्रीस्वामिनं राष्ट्रगुरुं स्मरामि। आज हम यहां पर महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की वंशावली आपको यहां बताने जा रहे हैं। इससे पूर्व की जो वंशावली है, जो कि हमारी भारत फिल्म में पीछे महाराजा पुरुरवा की उत्पत्ति और पुरुरवा की कुछ संतानों की वंशावली तक जा चुकी है, लेकिन मांग जो आ रही थी बार बार, वो तत्काल में उनके वंशज और पांडवों के वंशज और महाराजा नंगपाल सिंह तोमर के वंशज की वंशावली के बारे में आ रही थी और लोगों ने उसकी मांग की थी। उसी मांग को पूरा करते हुए आज हम महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की आगे की वंशावली आपको बता रहे हैं। तो महाराजा नंगपाल सिंह तोमर जब दिल्ली में किल्ली गाड़कर, दिल्ली की किल्ली कहा जाता है, जिसे दिल्ली के लोग भीमलाट या लौह स्तंभ कहते हैं, जो कि कुतुब मीनार के ठीक बगल में है, और उसको उस लौह स्तंभ को असल में विष्णुपाद या गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। तो महर्षि व्यास जी के कहने पर महाराजा नंगपाल सिंह तोमर ने दिल्ली में अपनी तलवार की वजन के बराबर की लोहे की कील बनवाई थी, जिसे तोमर राजवंश में या राजपूतों में की किल्ली कहा जाता है, कील। और वैसे सामान्य आदमी जो आजकल है वो उसको स्तंभ, लो स्तंभ या भीमलाट कहता। तो वो जो भीमलाट गाड़ी थी महाराजा नंगपाल सिंह तोमर ने महर्षि व्यास जी के उस पर कहने पर, असल में वहां पर उस कील को गाड़ने के पीछे महर्षि व्यास जी का कथन था कि अब आगे जो बुरा होने वाला है भविष्य में, उसको टालने के लिए धर्म सत्ता का स्थापित रहना आवश्यक है। और चूंकि वो महाभारत के अंतिम सम्राट थे महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर, तो ये सत्ता कायम रहे, धर्म की सत्ता कायम रहे, असुर और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हावी न हो और उपद्रव न हो, उसे रोकने के लिए उस धर्म सत्ता का स्थापित रहना और महाराजा नंगपाल सिंह तोमर के वंशजों की सत्ता का महाभारत पर कायम रहना आवश्यक था। तो इस सब के लिए उन्होंने महाराजा नंगपाल सिंह तोमर को यह निर्देश दिया था कि एक अभिमंत्रित कील मैं देता हूं, इसे तुमको एक ही हुंकार में यहां गाड़ना है। तो वो मेहरौली में, अभी आजकल इस समय मेहरौली कहते हैं,
नेरौली में स्थापित है और कुतुब मीनार के ठीक बगल से है। तो वो लोहे की जो कील थी वो महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर ने एक ही हुंकार में एक ही हाथ से एक ही झटके में गाड़ दी थी। तो जब वो कील गड़ गई तब महर्षि व्यास ने कहा कि अब ये कील जो है पूरी धरा को चीर कर शेषनाग के फन में जा धंसी है। तब महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने क्या है, आओ देखा न ताओ, उसे जांचने के लिए या उसका परीक्षण करने के लिए उसको एक ही हाथ से एक ही ओंकार में फिर वापस खींच लिया। जैसे ही खींच लिया तो वहां खून के फव्वारे छूट पड़े और शेषनाग की चमड़ी वहां बाहर आ गई। तब अनंगपाल सिंह तोमर ने कहा कि नहीं, महर्षि व्यास जी की बात सत्य है। और वो फिर घबरा करके उन्होंने दोबारा से वह किल्ली वहीं पर फिर एक ही ओंकार में एक ही हाथ से गाड़ दी। तब महर्षि व्यास जी ने कहा कि अनंगपाल, तुमने मेरी बात पर अविश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने एक ही ओंकार में एक ही हाथ से यह कील गाड़ तो दी और धर्म सत्ता और धर्म ध्वजा धर्म पताका विश्व में सदैव के लिए अमर हो गई थी, लेकिन तुमने चूंकि खुद ही इसको अपने ही हाथ से अपने आप उखाड़ लिया है, इसलिए तुम खुद ही एक बार यहां से दिल्ली से जाओगे। दिल्ली नाम उसका इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने जब उस कील को दोबारा से गाड़ा तो वो ढीली हो गई। तो वो इसलिए पृथ्वीराज रासो में भी लिखा है, श्रीधर में भी लिखा है कि किल्ली हो गई ढिल्ली और नाम पड़ गया ढिल्ली। तो इस तरह से वो इंद्रप्रस्थ का जो साम्राज्य था, इंद्रप्रस्थ का जो नाम था उसका नाम ढिल्ली ढिल्ली पड़ गया। तो ढिल्ली ढिल्ली हो गया अपभ्रंश के बाद, उसे लोग दिल्ली कहने लगे। अब वो दिल्ली हो गई जबकि उसका असल नाम इंद्रप्रस्थ ही है। इस प्रकार से महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर ने वहां पर जो कील गाड़ी थी उस कील के ऊपर जो है बाकायदा एक आकृति बनी हुई है कमलनुमा, और उसके ऊपर गरुड़ की जो है प्रतिमा स्थापित थी, गरुड़ के ऊपर चतुर्भुज विष्णु, क्योंकि तोमरों में जो पूजा की जाती है वो चतुर्भुज विष्णु की जाती है। तो ये सब चीजें तो इस वंशावली में आगे आई ही, लेकिन जो है वहां पर जो चतुर्भुज विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे उस लोहे की किल्ली पर या दिल्ली की किल्ली जिसे कहते हैं, और उनकी पूजा करने के लिए नित्य जाने के लिए वहां पर उन्होंने सीढ़ी नुमा एक मीनार बनवाई जिससे ऊपर से वह वहीं विष्णु जी की पूजा कर सकें। तो वो जो मीनार बनवाई गई उसमें सिर्फ सीढ़ियां हैं और वो वहां तक थी जहां पर विष्णु जी थे गरुड़ पर विराजमान। तो वहां से नित्य जो है महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर विष्णु जी की पूजा करते थे, और उसी को बाद में जब मुगल सल्तनत आई फिर गुलाम वंश आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसमें टाइलें लगवा दी, और टाइलें लगवा करके उसका नाम धर दिया कुतुब मीनार। उसका असल नाम जो है विष्णु की पूजा करने के लिए मीनार बनवाई गई थी और वहीं से विष्णु जी की पूजा की जाती थी, क्योंकि वो किल्ली जो है काफी ऊंची है, 22-23 फुट से ज्यादा ऊंची है। तो वहां पर वो मीनारों के जरिए जाते थे ऊपर, ऊपर से ही पूजा उनकी की जाती थी विष्णु जी की। ऐसा महर्षि व्यास जी का आदेश था जिसका वे पालन करते थे। महर्षि व्यास चूंकि कुलगुरु है पांडवों के तोमरों के, तो उनका यह आदेश पालन किया, लेकिन वो किल्ली को दोबारा उखाड़ लिया और उसको फिर से गाड़ दिया। तो महर्षि व्यास जी ने कहा कि अब तुमको खुद ही यहां से एक बार जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने खुद ही इस किल्ली को उखाड़ा है, लेकिन खुद ही दोबारा से गाड़ दिया, ये भी ठीक किया क्योंकि अब तेरा ही वंशज यहां कोई आएगा जो दोबारा इस सत्ता पर बैठेगा, तब महाभारत की सल्तनत कायम होगी, अब इंद्रप्रस्थ का विनाश हो जाएगा
और जितना लहू बहा है शेषनाग जी का, जो चमड़ी निकली है, उतना विनाश तो होगा, उतने समय तक उपद्रव होगा, उतने समय तक दुष्ट लोग और असुर लोग उपद्रव करेंगे और वो शांति प्रिय और साधु जीवों को जीने नहीं देंगे। लेकिन फिर तेरा ही वंश आएगा, क्योंकि किल्ली तूने ही दोबारा गाड़ दी है। लेकिन चूंकि ये ढीली हो गई, ढीली होने के कारण अब तुमको यहां से जाना पड़ेगा, और जब समय आएगा ये सब पूरा जो लहू बहा है और वो तब तक उपद्रव होगा, और उस उपद्रव के बाद में पुनः यहां पर चंद्रवंश की सत्ता कायम होगी। तोमर चंद्रवंश में आते हैं, पांडव चंद्रवंश में आते हैं, तो तब फिर चंद्रवंश की तुम्हारी सत्ता कायम होगी, तुम्हारा वंशज यहां फिर गद्दी पे बैठेगा, तब इंद्रप्रस्थ फिर से बनेगा और महाभारत फिर से स्थापित होगा। ये कथा है दिल्ली की। दिल्ली के बाद में चूंकि महाराजा नंगपाल सिंह तोमर के एक संतान उत्पन्न हुई, तो उसको घूरे पे फेंकवा दिया गया। वो मोहम्मद गौरी की कथा अपनी पिछली फिल्मों में सुना चुके हैं, जिसने बदला लिया था पृथ्वीराज चौहान से। तो पृथ्वीराज चौहान को जब सत्ता सौंप दी तो वो वापस लेने गए, तो उन्होंने सत्ता देने से इनकार कर दिया। तब वो वापस एक हाथी दे दिया था कि ये हाथी जहां से बैठ जाएगा वहां से आपकी सत्ता और सल्तनत शुरू हो जाएगी। तो हाथी बड़ी देर में बैठता है, तो वो यहां पर आकर के चंबल के किनारे ऐसा गढ़ी में आकर के बैठा था। तो वहां पर जब चंबल के किनारे ऐसा गढ़ी में उन्होंने महाराजा नंगपाल सिंह तोमर ने अपना एक किला बनवाया, जिसे गढ़ी कहते हैं, गढ़, और वो गढ़ी है यानी छोटा सा किला है, ऐसा का दुर्ग ऐसा है जिसपे कभी भी कोई हमला नहीं कर पाया, वो अजय रहा है, उसे कोई जीत नहीं पाया। तो वहां पे जो गढ़ी बनवाई गई, वो गढ़ी अभी भी स्थापित है, लेकिन अब चूंकि वो उसमें बंद है काफी समय से, तो इसका कब पुनरुद्धार हुआ और कब ये कैसे क्या चला, और महाराजा नंगपाल सिंह तोमर ने तब ऐसा गढ़ी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और ऐसा गढ़ी को अपनी राजधानी बनाया। ये ऐसा गढ़ी चंबल के किनारे तोमरघार में स्थापित है, मुरैना जिला में है, मध्य प्रदेश में है, और वहीं पर अपनी कुलदेवी है माँ योग निद्रा, योग माया, योगेश्वरी और चिल्लासन देवी, इन्हीं को कहते हैं। तो इस संबंध में भारत फिल्म में हम आपको पहले पूरी जानकारी दे चुके हैं कुलदेवी के बारे में। तो वहाँ कुलदेवी का मंदिर भी बनवाया, माँ योग माया भगेश्वरी, उनको कहते हैं भगेश्वरी कहते हैं, चिल्लासन कहते हैं, वो योग निद्रा है। तो जो दिल्ली में मेहरौली में योगमाया मंदिर स्थापित है, जिसकी नित्य पूजा की जाती थी, पांडवों द्वारा स्थापित कराया गया था, तो वो योगमाया मंदिर जो है, जब दिल्ली से महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर यहाँ ऐसा गढ़ी में आ गए, तो उन्होंने वहां पर अपनी गढ़ी के पास ही ये योगमाया का मंदिर फिर से बनवाया और उसमें देवी की प्रतिमा स्थापित की। और पहले बता चुके हैं फिल्म में कि कुछ चीजें वो जो दिल्ली में भूल आए थे, हम तोमरों के पास में 5 दुर्लभ वस्तुएं थी, तो जिसमें कोहिनूर हीरा, जिसका असल नाम क्या था ये अभी आगे आएगा इसमें वंशावली में, और उसके अलावा पारसमणि और कुछ ऐसी चीजें थी, कुल 5 चीजें। तो वो वहां कुछ भूल आए थे, तो वो चील पर सवार होकर, यानी चील वहां पर लेके आई थी, वहां चील पक्षी का निवास था वृक्ष पे, और वो वापस महाराजा नंगपाल सिंह तोमर को सौंपी थी और सपना दिया था कि तुम्हारी चीजें वापस आ गई हैं, और माँ योग माया स्वयं चील पर सवार होकर ले आई हैं। तब से उनका नाम चिल्लासन देवी, यानी चील की सवारी करने वाली, चील का आसन लगाने वाली, चिल्लासन देवी पड़ गया। तो इस प्रकार से ये कथा थी। अब महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की फिर यहाँ आकर के जो वंशावली चली है, पहला पुत्र तो जो उनका था घूरे पे फेंकवा दिया था, फिर बाद में जब
पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था सोनपाल सिंह तोमर। तो सोनपाल सिंह तोमर जिसे इतिहासकारों ने कई जगह तोनपाल सिंह लिख दिया है, वो सही शब्द है सोनपाल सिंह, सोनपाल सिंह तोमर उनके पुत्र थे। तो सोनपाल सिंह तोमर के आगे जो वंशावली चली है उनका पुत्र सोनपाल हुआ, सोनपाल के बाद के आगे की वंशावली हम आपको यहाँ बताएंगे। उससे पहले तोमरों तोमर राजवंश के जो राजचिन्ह हैं और गोत्र वगैरह है उसका विवरण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम, ये चंबल की तोमरघार या चंबल के तोमरों की वंशावली है जो कि अर्जुन के वंशज महाराजा नंगपाल सिंह तोमर के वंशज हैं। और चंबल में जो तोमरघार है जो कि भारत के सभी जितनी भी तोमरों के गांव हैं या तोमरों की जहाँ जहाँ बसाहट है उन सबसे बड़ी बस्ती है या सबसे बड़े गांव या सबसे बड़ा राज्य खंड है, ये तोमरघार पूरे भारतवर्ष में सबसे बड़ी तोमरघार है यहाँ पर, जो कि महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर के वंशजों की तोमरघार है। तो इसमें सबसे पहले हम तोमरों के राजवंश के राज चिन्हों का या पांडवों का राज चिन्हों का, पांडव ही तोमर हैं और तोमर ही पांडव हैं और इन्हीं को भारत कहते हैं। तो इसका जो राज चिन्ह वगैरह रहे राजवंश के, तो राजवंश के चिन्हों का हम पहले यहाँ वर्णन करेंगे, उसके बाद में वंशावली को बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो विशेष और विस्तृत वर्णन है वो तो फेसबुक पे कई वर्ष पहले से पड़ा हुआ है और उसमें आप पूरी वंशावली और पूरे चिन्ह वगैरह और चिन्हों का विवरण और विस्तार और कई आलेख हैं वो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे और फेसबुक पे मौजूद है। तो अब इसमें पहले तोमर वंश का गोत्र, तो यहाँ जो चंबल के तोमर हैं जो महाराजा नंगपाल सिंह तोमर का गोत्र है और इन चंबल की तोमरघार के तोमरों का जो गोत्र है, महाराजा नंगपाल सिंह तोमर के वंशजों का जो गोत्र है, ये गोत्र है वैयाशुक। तो वैयाशुक गोत्र के लोग हैं और ये जो शाखा है इनकी, इस शाखा का नाम है माखधनी, माखधनी। तो ये जो है आगे आने वाली पीढ़ी को ये सब चीजें जान लेना चाहिए, उन्हें अपने पूरे इतिहास और वंशावली से परिचित होना चाहिए। तो गोत्र है वैयाशुक और शाखा है माखधनी, माखधनी। और हीरा है मदनायक। तो जो तोमर राजवंश का जो हीरा है उसका नाम है मदनायक। इसी हीरे का नाम बाद में बाबर ने कोहिनूर लिखा, यानी रोशनी का पर्वत, क्योंकि मदनायक नाम वह भूल गया था, ये हम अपनी पिछली फिल्म में बता चुके हैं भारत फिल्म में। तो उसने जो बाबरनामा लिखा ग्वालियर एक किले पर बैठकर, तो उस बाबरनामा में इसी मदनायक हीरे का नाम कोहिनूर लिखा। तो ये जो मदनायक हीरा है ये तोमर राजवंश का कुल का हीरा है, तो हम कुल का हीरा हुआ मदनायक। और देवी जो है वो है चिल्लासन, इष्ट देवी कहते हैं, तो इष्ट देवी है चिल्लासन या चिलाय माता। और कुलदेवी है योगेश्वरी, योगमाया या योग निद्रा कहते हैं इनको, जो कि भगवान विष्णु इंद्र और श्री कृष्ण की छोटी बहन है। तो ये योगमाया देवी ये कुलदेवी है। और मंत्र है तोमर राजवंश का वो है गोपाल मंत्र, इसीलिए या तोमरघार में जो भी बोलता है
वो जय गोपाल जी की बोलता है। तो तोमरों की ये पहचान है कि वे जय गोपाल जी की बोलेंगे, तो पूरी तोमर घर में या जहां भी कोई तोमर होगा वो जय गोपाल जी की करता है, न कि जो है नमस्कार या प्रणाम, कुछ नहीं, जय गोपाल जी की शब्द यहां पर प्रचलित है। और ये गोपाल मंत्र ही तोमर राजवंश का मंत्र है। तो गोपाल मंत्र जो है ये कुल का, राजवंश का, राजकुल का ये मंत्र है। तो इस समय हम जो है सारे राज चिन्हों का और राजवंश के जो भी वंशावली में दिए हुए हैं, जो कि अति प्राचीन है, उसी में से हम इसका वर्णन ज्यों का त्यों कर रहे हैं। और देवी चिल्लासन कालका का मंदिर एक और स्थापित है, जो योगमाया मंदिर मैरोली में बनवाया पांडवों ने, तो कालका मंदिर भी, क्योंकि योगमाया ही कालिका है और वे ही अन्य देवी के स्वरूप उनमें से प्रकट हुए हैं। ये दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में ही योगमाया का वर्णन है। तो दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय हमारी कुल देवी जो है योगमाया, योग निद्रा, ये उन्हीं को समर्पित है। उसके बाद जो दुर्गा सप्तशती में कैसे कैसे देवी ने अपने स्वरूप बदले हैं, फिर कैसे वो कालिका बनी है, और वो सब, तो वहां पर एक कालिका मंदिर भी महाराजा नंगपाल सिंह तोमर ने बनवाया इंद्रप्रस्थ में, जिसे दिल्ली कहते हैं अभी। तो दिल्ली में कालिका देवी के नाम से वर्तमान में प्रसिद्ध है। तो कालिका मंदिर जो है ये महाराजा नंगपाल सिंह तोमर ने दिल्ली में बनवाया। तो यहां पर जो है जब ऐसा गढ़ी में आ गए थे तब वो चील की सवारी उन्होंने की थी, तो इनकी सवारी फिर चील मानी गई। तो इस तरह से वो चिल्लासन भी यहां पे आके उनका नाम पड़ गया। तो कालका मंदिर है वहां दिल्ली में है, जो कि काफी मशहूर है, वो एक ही मंदिर है। और मेरे ख्याल से कालका का जो रेलवे स्टेशन भी नाम है, वहां जो मेट्रो चलती है दिल्ली में, वहां कालका जो स्टेशन है, तो वहां कालका मंदिर जो है वो ये महाराजा नंगपाल सिंह तोमर ने ही बनवाया था। अब इसमें और ये अनंगपुरी में है कालका मंदिर। अब इसमें पुरोहित जो राज पुरोहित हैं या तोमरों के जो राज पुरोहित हैं उनका वर्णन है। तो पहले पाठक थे महाराजा नंगपाल सिंह तोमर के समय से पाठक थे, लेकिन इन पाठक उनके नाट हो गई, यानी कि उनका कोई वंशज नहीं बचा। तो उसके बाद में अब वर्तमान में उपाध्याय हैं। तो तोमरों के जो राज पुरोहित हैं वो उपाध्याय हैं, और तोमरों का जो निशान है, राज चिन्ह है, वो है गौ बच्चा रक्षा, यानी कि गौ और गौ का बछड़ा दूध पीता हुआ, ये राज चिन्ह है। तो गौ बच्चा रक्षा का निशान, गाय जो है बछड़े को दूध पिलाते हुए, ये राज चिन्ह है तोमरों का। और यही राज चिन्ह हमेशा पांडवों के समय से ही स्थापित होता रहा। और इसका जो मूल निशान है, जो मूल स्थापना कराई गई, वो जो है प्रयागराज में स्थापित कराया गया था पांडवों द्वारा। तो यह निशान प्रयागराज में स्थापित है, अभी भी मौजूद है, ज्यों का त्यों सुरक्षित है। तो ये जो राज चिन्ह है यही राजगद्दियों पर लगता था, यही किले के ऊपर स्थापित किया जाता था। तो ये तोमरों का राज चिन्ह गौ बच्चा रक्षा का निशान, यानी गाय का बछड़ा जो है दूध पीता हुआ, और उसके आसपास में दो तलवारें हैं, उनके बीच में वो सुरक्षित, ये संरक्षित चिन्ह था, यही राज चिन्ह है तोमर राजवंश का। अब है
और इसका मूल जो स्थापना है या मूल निशान स्थापित है वो प्रयागराज में है, और जो वृक्ष है राजवृक्ष जिसको बोलते हैं तो तोमर राज में जिसका राजवृक्ष है अक्षय वट, तो अक्षय वट के नाम से, यानी वट का अर्थ होता है बरगद, तो अक्षय वट ये भी तोमरों का, यानी कोई भी गांव होगा या कोई भी कहीं भी तोमर रहता होगा वहां पर एक बरगद का वृक्ष अवश्य होगा। तो अक्षय वट ये तोमर राजवंश का राजचिन्ह है, और इसकी मूल स्थापना पांडवों ने कराई थी अक्षय वट की। तो ये अक्षय वट इंद्रपुरी से लाया गया था और इसकी स्थापना प्रयागराज में की गई थी। तो मूल जो स्थापना इस अक्षय वट की ये प्रयागराज में है, तो प्रयागराज में ये अक्षय वट स्थापित है। इसको अकबर ने कटवाने का बहुत प्रयास किया था, तो सैकड़ों प्रयास किए थे उसको नष्ट करने के लिए, लेकिन वो अक्षय वट को काट नहीं पाया, खत्म नहीं कर पाया। वो जितना काटता था वो उतना ही बढ़ जाता था, तो वो जितना काटता उतना बढ़ जाता, तो उसने क्या किया कि फिर उसको खुद ही संरक्षित करवा दिया और अक्षय वट के चारों ओर चार दीवारी खिंचवा दी और उससे किसी को भी न काटने का हुक्म दिया, और उसकी जितनी बेगमें थी उनको सबको उसने अक्षय वट की पूजा करने का आदेश दिया। तो अकबर के जितनी बेगमें थी या अकबर के बाद जितने भी मुगल हुए शासक उनको सबको अक्षय वट की पूजा करना अनिवार्य करवा दी गई थी। तो ये जो मूल निशान है अक्षय वट का, या वो मूल वृक्ष है, ये प्रयागराज में स्थापित है, जो कि पांडवों ने स्थापित किया था, स्वर्गलोक से इंद्र के यहां से लाए थे तो वहां पर उसकी स्थापना की थी। तो ये तोमर राजवंश का जो वृक्ष है, राजवृक्ष जिसको बोलते हैं, वो है अक्षय वट। तो इसे बरगद का पेड़ कहते हैं। तो तोमरों का कोई भी गांव हो या तोमर कहीं भी रहता हो वहां पर बरगद की स्थापना अवश्य होगी। ये मूल निशान है, आपको पहचान में आ जाएगा कि ये तोमरों का गांव है या तोमर यहां रहते हैं। इसके बाद में जो माला है राजवंश की, जो माला मान्य की गई और जो पांडवों के समय से चली आ रही है तोमरों में आज तक है, ये माला है रुद्राक्ष की माला। तो हर तोमर के पास रुद्राक्ष की माला अवश्य होगी, ये तोमर राजवंश की या राजकुल की पहचान है कि वो रुद्राक्ष अवश्य धारण करेगा। तो माला है इसमें रुद्राक्ष की माला। अब है राजपक्षी, तो राजवंश का जो राजपक्षी है वो है गरुड़। इसमें वंशावली में जो उल्लेखित है वो गरुड़ जो है तोमर राजवंश का राजपक्षी है। इसके बाद में अब राजवंश का जो नगाड़ा है, ये नगाड़ा जो है तोमरों का रणजीत या रंजीत नगाड़ा बोलते हैं इसे, तो रंजीत नगाड़ा ये राजवंश का राज नगाड़ा है। तो नगाड़ा जो बजाया जाता है तोमरों में वो रंजीत नगाड़ा बजाया जाता है, और इसका रंजीत या रणजीत इसको कहते हैं। और इन तोमरों को, ये जो चंबल के तोमर हैं, ये महाराज जनकपाल सिंह तोमर के वंशज जो है, इनको इनका जो वो है नाम, इन्हें इंद्रप्रस्थ के तोमर कहा जाता है, तो ये इंद्रप्रस्थ के तोमर कहलाते हैं। तो इनकी ये पहचान है कि इंद्रप्रस्थ के तोमर, ये शब्द यहां के तोमरों के लिए इस्तेमाल होता है, यही ग्रंथों में और वंशावली में उल्लेखित है। तो वंशावली में इनको जो लिखा गया है वो इंद्रप्रस्थ के तोमर लिखा गया है, और इनका वंश जो है वो चंद्रवंश है। तो ये तोमर चंद्रवंश में आते हैं, तो चंद्रवंश का ये वंश भी है, और वंश के अधीन जो कुल रहते हैं, जो 36 कुल रहते हैं, तो उसमें
कुल भी इनका तोमर ही है। तो चंद्रवंश में कुल तोमर है इसमें, तो मूल जो कुल है वो तोमर लिखा हुआ है। तो वंश हुआ चंद्रवंश और कुल हुआ तोमर। अब इनमें जो पूजा की जाती है, तोमर राजवंश में जो राज ईश्वर या देव माने गए हैं, जिनकी पूजा की जाती है, वो है चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण, यानी चतुर्भुजी लक्ष्मी नारायण जो है उनकी पूजा तोमर राजवंश में की जाती है। इसलिए जहां जहां भी मंदिर है, जैसे ग्वालियर के किले पर है जो, जिसमें शून्य के आविष्कार का शिलालेख लगा हुआ है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है कि, और एक फिल्म में गाना भी है कि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, तो शून्य का आविष्कार जो किया गया, वो जो शिलालेख लगा है वो चतुर्भुज विष्णु के मंदिर में लगा हुआ है। तो चतुर्भुज विष्णु जी के मंदिर में ये शिलालेख स्थापित है। तो ये ग्वालियर के किले पर लक्ष्मणपुर पे स्थापित है, ये चतुर्भुज विष्णु जी का मंदिर है वहां। तो इनमें जो पूजा की जाती है राजवंश में या राजकुल में, जो देव माने गए हैं, वो है चतुर्भुज श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण। तो लक्ष्मी नारायण जी की पूजा तोमर राजवंश में की जाती है। इनकी आदि गद्दी, यानी कि राजवंश की जो आदि गद्दी है वो कर्नाटक में है। तो आदि गद्दी जो है तोमर राजवंश की कर्नाटक में है। और जो शंख है राजवंश का निशान जो है, मैं राज चिन्हों का वर्णन कर रहा हूं, जो राज चिन्ह है तोमर राजवंश के राजकुल के, वो शंख है दक्षिणावर्ती, या इसको दहिनावर्ती लिखा है उसमें वंशावली में, ये सही नाम है दक्षिणावर्ती। तो दक्षिणावर्ती शंख की पूजा तोमरों में की जाती है। और तिलक, जो तिलक लगाते हैं तोमर, जो राजवंश का राज तिलक जो होता है, ये रामानंदी है, तो रामानंदी तिलक लगाया जाता है तोमरों में। अब इनका जो झंडा है, झंडे का जो निशान है तोमर राजवंश के राजकुल का, वो है चौकूर हरे रंग का झंडा, जिस पर चंद्रमा का निशान है। तो चौकूर हरे रंग का झंडा है जिस पे चंद्रमा का निशान है, ये तोमर राजवंश का राज निशान है। इसके बाद में तोमरों का जो पर्वत है, जो कि राज पर्वत जिसे घोषित किया गया है राजकुल से, जो वंशावली में उल्लेखित है, वो है द्रोणाचल। तो द्रोणाचल पर्वत जो है, ये तोमरों का या पांडवों का राज पर्वत है, ये राज चिन्ह में जो उल्लेखित है वंशावली में वो बता रहे हैं। और तोमर राजवंश में जो कुलगुरु हैं, जो राजकुल के जो कुलगुरु हैं, वो है व्यास जी। तो व्यास जी को कुलगुरु माना गया है और घोषित किया है वंशावली में, व्यास जी कुलगुरु के रूप में या राजगुरु के रूप में वर्णित हैं। तो व्यास जी जो है कुलगुरु है या राजगुरु है, ये तोमरों में व्यास जी को ही गुरु बनाया जाता है या माना जाता है। अब इनका ध्वज, तो जो ध्वज है वो तोमर राजवंश का, ये वंशावली में जो उल्लेखित है वो है पंचरंगी। तो पंचरंगी ध्वज है, तो इसका चित्र जो है फेसबुक पे बहुत पहले से मौजूद है, या हमारी कई फिल्मों में, या पीछे भारत फिल्म में भी कई बार ये दिखाया जा चुका आ चुका है। अब इसमें जो तोमरों की नदी है, जो तोमर राजवंश में जो नदी है वंशावली में जो दी गई है, वो है गोमती। गोमती नदी जो है ये तोमर राजवंश की राज नदी है। तो इसे जो है ये राज चिन्ह हुए, जो कि उसमें वर्णित है वंशावली में, ये जो मैंने आपको यहां तक बताए, ये राज चिन्ह वंशावली में, जो मूल वंशावली असल वंशावली है उसमें वर्णित हैं। तो ये राज चिन्ह हुए। अब यहां से आगे मैं आपको वंशावली जो है महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की, अब उसे सुनाता हूं। और